ये है सिरका का पीयू टॉप कोट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो कोड है वो है N1448 यानी 1448, और ये है पिगमेंट में हाई ग्लोस है, ये इसका पिगमेंट का कोड है, और ये इसका प्राइस है 4,315 रुपये। नेट कंटेंट इसमें है 2 kg यानी कि 2 लीटर, 2 किलो पैकिंग है। जिसे हम खोल के आपको अंदर से दिखाते हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा हार्डनर है, ये रेजिन है, ये रेजिन है जिसके ऊपर लिखा है N1448 और ये लिखा है ग्लोस, हाई ग्लोस। तो ये हमारा सिरका का ये मटेरियल हो गया, और ये है हमारा 1 लीटर का इसमें हार्डनर, हार्डनर इसमें 1 लीटर आता है, ये देखिए लिखा है पीयू हार्डनर, इसमें हार्डनर भी 1 लीटर आता है और रेजिन भी, ये रेजिन ये भी 1 लीटर आता है, 2 लीटर की ये पैकिंग है। तो 2 लीटर में ये 1-1 लीटर हो जाता है। अब इसके अंदर थिनर कितना डालना है, थिनर देखिए ये आपके अपने ऊपर है, आप थिनर कैसे चलाते हैं, कितना डालते हैं, आप जस्ट हाफ भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कैसे चलाते हैं और कितना आपका चलाने का क्या तरीका है, गन का स्प्रे आप कितना रखते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो तब आप उसके ऊपर चला सकते हैं। ये तो हो गई हमारी टॉप कोट की, अब मैं आपको बेस कोट की भी पैकिंग दिखाता हूँ इसकी, सिरका की। और नहीं ये तो, और ये जो पैकिंग है ये है बेस कोट की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस पर लिखा है पीयू वाइट सिलर 1.5 kg, और यहाँ पर इसका MRP लिखा है 1476 रुपये, यहाँ इसका नेट कंटेंट का वेट लिखा है, ये है 1.5 kg। तो अब हम इसको अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ इसको माल, ये पीयू का जो मटेरियल होता है वो बहुत महंगा आता है, क्योंकि उसमें ये देखिए ये है हमारा वाइट पीयू सिलर, यानी कि जो बेस कोट हम डालते हैं ये वो है, वाइट कलर का होता है ये सिलर या सर्फिसर भी आप इसको बोल सकते हो। ये पूरा 1 लीटर है 1.5 लीटर की पैकिंग में, और ये है हार्डनर, इसका हार्डनर इसके अंदर आता है पीयू में जस्ट हाफ, यानी कि अगर 1 लीटर आप माल बना रहे हैं तो 1 लीटर में 0.5 लीटर आपका ये हार्डनर पड़ेगा। हार्डनर में ध्यान रखें आप, इसके इसको खोलने के बाद इसके अंदर एक और ढक्कन होता है, उस ढक्कन को खोलिएगा जरा से, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो ढक्कन है आपको कभी भी ये खुला नहीं छोड़ना है, इसको जरूर से लगाना है, जितना आपने यूज करना है यूज कर लें और इसको वापस से लगा दें, नहीं तो हार्डनर अंदर ही जम जाएगा, सूख जाएगा, इसलिए आपको ये वाली कैप लगानी है और फिर इसके ऊपर ये कैप लगा के इसको रखना है, जितना यूज करना है आप यूज कर लें। तो ये हमारा बेस कोट था और वो हमारा टॉप कोट था जो मैंने पहले आपको दिखाया। तो ये था हमारा सिरका का प्रोडक्ट, ये हाई ग्लोस है, ये देखने में कैसा लगता है या इसकी आउटपुट कैसी आती है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो टॉप कोट मैंने आपको दिखाया वो डलने के बाद कुछ इस तरह से ये कलर उसका आता है, और ये बहुत ही अच्छा कलर है और देखने में अच्छा लगता है, और हाई ग्लोस है तो देखने में ही बहुत शानदार लगता है ये। तो ये था हमारा सिरका का मटेरियल, इसके ऊपर अभी एक कोट डला है, जब सेकंड डलेगा और सैंडिंग बफिंग होगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगा।